गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अगला दिन और सुबह हो चुकी है, मैंने आज नहा लिया है और 9:19 हो चुके हैं और फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। यार हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, कैसी बनी है पता नहीं। तो बच्चों को भूख लगी होगी, सबसे पहले दे देते हैं बच्चों को। हेलो गाइस, दिन भर हमने मूवी देखी आज, बहुत मजा आया और फाइनली अब ये लोग जा रहे हैं। अभी तो हम लोग अभी जा रहे हैं छोड़ने इनको, और ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। देख सकते हो आप लोग, जैकेट डाल रहे हैं, चलते हैं। रो क्यों रही, रो मत यार, रो क्यों रहे गाइस, हमें रो रहा है, हम जा रहे हैं गाइस, बहुत रोना आ रहा है अरे चलो गाड़ी स्टार्ट कर दी इन्होंने, जल्दी हम लोग तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हम लोग। बस स्टॉप, ये देख सकते हैं आप लोग, हल्का हल्का कोहरा लग चुका है और दिया कह रही है ये देखिए मार्केट तो खुली हुई है, पूरी खुली है यहाँ पे। तो राजीव चौक पे हम लोग पहुंच चुके हैं अभी, और ये हम अपनी जुल्फें सवारते हुए तो आप लोग नैनीताल जाइए, वहाँ ठंडा नहीं हो रहा, ठंडा होगा लेकिन उत्तराखंड में ये है ना कि धूप आ रही है। देखते आना गाइस, यहाँ आना है तो जिसको वही ठंडे कष्ट बिल्कुल ना करे। तो सभी जुकाम लेके जा रहे हैं कह रहे हैं ये। इसको देखो, ये गौर से देखो इस चेहरे को, हम भी सो गया दिन का बनाना, लेकिन मजा बहुत आया था दिन में भी, और हमने
हॉन्टेड मूवीज देखी और साउथ वाली तो भैया अभी घर जाके डर जाएंगे थोड़ा नहीं डर नो तो वो वाली तो हॉरर कम थी कॉमेडी ज्यादा कंचना टू गाइस तो बड़ी अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि कोई गाढ़ा गाढ़ा कुछ नहीं है गर्मी हो रही है ना बस में तो होता ही ऐसा है कैसा लगा आपको सदर मार्केट में बहुत अच्छा लगा बहुत सामान बहुत हाई फाई था बहुत रेट भी उसके कृपया करके ना आए कृपया करके अगर जाना है आप लोगों को तो सदर मार्केट चाहिए दिल्ली के सदर मार्केट जाना अगर आप गुड़गांव शॉपिंग करनी है गाँव में तो सदर बाजार लेने का कैमरा वही देखा यहाँ गाइस अभी हम दूसरे अड्डे पे जा रहे हैं तो लगे हुए हैं और ये जा रहे हैं बस स्टॉप के लिए पूरी मार्केट ऐसे लगी हुई है ना अभी भी ऐसा लग रहा है राजधानी है तो हम लोग पहुंच चुके हैं देखिए बस स्टॉप पे और ये लगी हुई है गाड़ियां तो और अभी चेक करना पड़ेगा उत्तराखंड गए हुए थे कल वहाँ भी काफी घूमे बहुत अच्छा लगा हमें और हम लोग अक्षरधाम मंदिर भी गए वहाँ भी काफी घूमे दर्शिका बाहर बस देख रही है दर्शिका बाहर जाना चाह रही है दर्शिका बहुत ट्राई कर रही है कि दरवाजा खोल लो बहुत चालाक हुई है अभी दर्शिका सी है दर्शिका ये देख हेलो कर दो हेलो बाय करो बाय कर दो चलो यहाँ 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 बेटा यहाँ बाय कर दो ये पापा अभी आ रहे हैं बेटा कैसे क्या तेजी जुगाड़ देखो गाइस जैसे तैसे इसको ना वो कर रखा है क्या पागल है खाली खाली सी जा रही है गाड़ियाँ ना एक बंदा बैठा पूरी एक सीट बैठे एक एक सही तो आराम से फैल के जाओ कहाँ से मारे इसमें भी ऐसा क्यों फैल के जाए ये जा रही है यार मुझे देखते हैं गाइस इनको बहुत नींद आ रही है मुझे बाप मुझे तब से आने लगी थी हम पिक्चर बस में बैठ चुके हैं और शॉल वगैरह ओढ़ के दादी हम दिखा गुड़गांव से हल्द्वानी को जा रहे हैं हम लोग दर्शिका भी आई है ये इसमें भी मुझे मारने आ रही है दर्शिका को पर्स चाहिए दर्शिका को पर्स चाहिए तू आगे आते रहती पापा पापा इसमें आदत नहीं है बैठने कंबल अम्बल रख दिया है ये उड़ाड़ के बेटा तुम इधर को आओ तब आएगी वो भी वो तो तैयार है सोने के लिए हाँ तैयार है वो एक एक सीट सोने पकड़ ली सोने के लिए अगर ये ऐसे चिपका होता तो आराम से ऐसे किसका देती है उसको थोड़ा कह रहे इसको किसका दिया जाए थोड़ा
वाली बेटा दिल्ली ट्रैवल वाली बेटा इनको पहाड़े पर लोग जाते होंगे बस में सब हल्द्वानी वाल मिल गई है इनको कोई दिक्कत नहीं थी उसी तो गाड़ी में जाना हमको आदत थी तो गाड़ी में आ जाओगे और दादी आ गई हो चलो अच्छी चलो हम भी जाएंगे ना आओगे हाथ से तुमसे आओगे बोला आओगे बोला दादा आओगे आओगे इसकी नजर इन पे पड़ी है तभी वो कर रही है कर रही है पूरी बस एक कर दी उसने वो चलो टिकट 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 इधर आ घूमते घामते बढ़िया वाला बेटा तो घूम लेगा ये वाली बस सही है उसने कर दिए छोटी गाड़ी में चलो रुको आप कर और जाओ चलो भैया और अपने दद्दा के संग घूम रही है गाड़ी के अंदर और दीवली दद्दा को लेके चले गई है बता दिया मैंने कहाँ जा रही है दिया चलो फिर नौ पचास हो चुका है बस 10 मिनट 11 मिनट बेटा वहाँ नहीं जाएगा निकलने को हमारे फिर ये लोग तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं दीदी लोग की बस चल चुकी है और हम लोग भी घर पहुँच चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो सो जाते हैं थोड़ा गंदा सा भी लग रहा था थोड़ा चहल पहल हो रही थी बड़ी और सन्नाटा सा हो गया है यहाँ पे तो कोई नहीं तो गुड नाइट